पूरे देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर जगह आजादी के जश्न मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर लोग अलग अलग अंदाज में आजादी का जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। देश की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की आजादी के जश्न में डूबे युवाओं ने 351 फीट लंबे तिरंगे झंडे की यात्रा निकाली। इस यात्रा को शहर के सिकंदरपुर के युवाओं ने निकाला है और जगह जगह पर जयकारे भी लगाए गए। इस यात्रा को देख सभी शहरवासी आजादी के जश्न में झूम उठे। मुजफ्फरपुर में युवाओं ने आजादी अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 351 फीट लंबे तिरंगे झंडे की यात्रा पूरे शहर में निकाला। 351 फीट लंबे तिरंगे झंडे की यात्रा सरैयागंज टावर से निकाली गई। इसके बाद यात्रा शहर के छाता बाजार, दुर्गा स्थान, माखनसा चौक, दीपक सिनेमा, हरिसभा चौक, कल्याणी चौक, जवाहरलाल रोड, नवयुवक समिति, सुत्ता पट्टी, कंपनी बाग होते हुए सिकंदरपुर यानी रामगढ़ चौक लौट गई। इस दौरान युवाओं ने पूरे जोश के साथ भारत माता के जयकारे लगाए। इसके साथ ही देशभक्ति गाने पर सब लोग झूमते नजर आए। तिरंगा यात्रा के साथ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हो गए। पूरा शहर इस यात्रा को देख झूम उठा। तिरंगा को लेकर अरुण जी, सोनू जी तिरंगा को लेकर आ गया है। मुजफ्फरपुर शहर में एक मिसाल के रूप में तिरंगा यात्रा के रूप में यह दर्शाते हैं, जो कि भव्य से भव्य इस तिरंगा रूप विगत कुछ वर्षों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इसका आयोजन जो कि शहर के तमाम युवा भाइयों के साथ इसका आयोजन किया जाता है, जो कि रामगढ़ परिवार द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस बार कोरोना काल के चलते बिहार सरकार के आदेशानुसार कोरोना गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करके यह तिरंगा यात्रा को सफल बनाया गया है, जो कि हम लोग अपने रामगढ़ चौक सिकंदरपुर स्थित वहाँ से इस तिरंगा यात्रा का आरंभ किए और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस टावर से रामगढ़ चौक की तरफ सिकंदरपुर स्थित जो खत्म और समापन जिसका लास्ट चौक पे समाप्त किया जाएगा। आपका नाम? नाम आकाश सहनी। अपने तमाम युवा भाइयों के साथ, रामगढ़ परिवार के साथ, जय हिंद, जय भारत।